व्हाट्सअप गाइस, वेलकम अगेन इन मशीन लर्निंग सीरीज़। आज ये लेक्चर नंबर 4 है मशीन लर्निंग का, जिसका टॉपिक है ग्रेडियंट डिसेंट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मॉडल रिप्रेजेंटेशंस एंड कॉस्ट फंक्शन पढ़ लें, क्योंकि इसमें जो टर्म एंड कॉन्सेप्ट जो यूज़ हुए हैं वो इस टॉपिक में भी काफ़ी यूज़ होंगे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 3 ज़रूर देख लें, फिर ये ग्रेडियंट डिसेंट को पढ़ें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है? हमने जो लेक्चर नंबर 3 है उसमें हाइपोथेसिस और मॉडल रिप्रेजेंटेशन और कॉस्ट फंक्शन पढ़ा था। अच्छा, हाइपोथेसिस फंक्शन का यूज़ हमने मॉडल रिप्रेजेंटेशन में किया था हमारे प्रिडिक्टेड आउटपुट को फाइंड करने में, एंड कॉस्ट फंक्शन का यूज़ हमने ये सीखा था कि हम कैसे हाइपोथेसिस फंक्शन की एक्यूरेसी को मेजर करते हैं। ठीक है, अब हम कॉस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं एक्यूरेसी को मेजर करने, वो कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एल्गोरिथम। तो जिसमें से एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है ग्रेडियंट डिसेंट, वही हम आज पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं ग्रेडियंट डिसेंट में, उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पहले डायग्राम में देख लेते हैं कि वो डायग्रामेटिकली वर्क कैसे करता है। हमने कॉस्ट फंक्शन में पढ़ा था कि अगर हमारा ये गोल रहता था कि कॉस्ट फंक्शन में अगर सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगी कॉस्ट फंक्शन की, तो ही हमको बेटर हाइपोथेसिस फंक्शन की एक्यूरेसी होगी। तो आप डायग्राम में दे पा रहे होंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये और ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कॉस्ट फंक्शन। ओके, तो हमारा क्या टास्क होता है कि जो वैल्यू डायरेक्शन हर स्टेप पास कर कर करके एकदम मिनिमम एक्स एक्सिस पे आ जाएगी, तो वहाँ पे हमको कॉस्ट फंक्शन की एकदम हायर एक्यूरेसी होगी हाइपोथेसिस फंक्शन की। यही हमारा गोल रहता है डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट का। तो उसको कुछ मैथमेटिकल स्टेप से समझ लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है? एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर इन आवर एच, मतलब जो जो भी पैरामीटर्स हमारे यूज़ होंगे हाइपोथेसिस को अचीव करने में, मतलब एक्यूरेसी को इंक्रीज करने में, उसको हम पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं। अच्छा, सक्सेस में क्या होता है कि कॉस्ट फंक्शन जब तक एकदम मिनिमम पे ना आ जाए, जब तक हमारा सक्सेस रेट नहीं होगा। जब जैसे ही वो कॉस्ट फंक्शन एकदम, मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिनिमम पे आ जाएगा ना, तो वैसे ही हमारी सक्सेस रेट हो जाएगी वो। ओके, तो टेक द डेरिवेशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन, हम कॉस्ट फंक्शन की डेरिवेशन लेंगे, एंड स्लोप में क्या बोल रहा है वो, गिवंस द डायरेक्शन। गिवंस द डायरेक्शन मतलब क्या हो गया? देखिए, आपने इसके नीचे स्टेप देखेंगे तो क्या लिखा है, ई साइज ऑफ ईच स्टेप, मतलब जब आपको अगर एकदम अपने फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना है तो आप एक स्टेप लेते हुए आओगे नीचे, ठीक है? तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं, लर्निंग रेट, ठीक है? और हर बार मैंने आपको डायग्राम में पहले बोला था कि हर बार थीटा जे की वैल्यू अपडेट भी होगी, जे की वैल्यू की, तभी ना वो मिनिमम वैल्यू पर पहुँचेगा। जैसे अपडेट होते 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 वो यहाँ पर पहुँचेगा। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया थीटा जे का, ठीक है? उसका जे की वैल्यू 0, 1 बेस्ड ऑन उसके फीचर है पैरामीटर पर बेस करेगी, ठीक है? ये तो हम आपको बता चुके हैं, थीटा जे इक्वल टू थीटा जे माइनस अल्फा, अल्फा जो है हमारा लर्निंग रेट है, और डेरिवेशन इनटू कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन में हमने दो पैरामीटर पास किए हैं, थीटा 0, थीटा 1। ओके, एक करेक्ट वे क्या है थीटा जे को अपडेट करने का? थीटा जे को करेक्ट वे है अपडेटिंग करने का, जिसमें हम दो टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं, 0 और टैम 0 टैम 1। इसमें क्या करते हैं, थीटा 0 माइनस अल्फा डेरिवेशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन, ठीक है? और उसके बाद इसमें अल्फा की वैल्यू मैंने बताई कि आपको हर स्टेप पे चेंज होती है। उसके बाद थीटा 1 माइनस अल्फा एक डेरिवेशन इनटू कॉस्ट फंक्शन। अब इसमें जो पैरामीटर थीटा 0 पास किया गया है, उसमें ओल्ड वैल्यू ही पास की गई है जो टाइम 0 में थी, इसमें न्यू वैल्यू नहीं पास की गई है। ये करेक्ट वे है अपडेटिंग करने का, बट रिकॉर्ड ये एकदम करेक्ट वे होता है। और ये सेकेंड वे अपडेटिंग करने का क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि जब हम टैम 1 कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें हम न्यू वैल्यू रखते हैं थीटा 0 की, तो ये करेक्ट वे नहीं है अपडेटिंग करने का। ओके, अब हम इसको एक ग्राफिकल एक डायग्राम तरीके से पढ़ेंगे आगे वाली स्लाइड में। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारा ये देख रहे हो, ये वाला फॉर्मूला है जो हमने पीछे पढ़ा था। अब इसमें हम खाली एक फीचर्स लेके चल रहे हैं, मतलब आप एक कंसीडर करो, अगर आप एक समझ लेते हो तो आप ढेर सारे पैरामीटर पास करके भी समझ सकते हो। ओके, अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारा जो डेरिवेशन है ना, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जो हमारा डेरिवेशन है यहाँ पर, ठीक है,
उसको हमने पॉजिटिव किया है, तो पॉजिटिव करेंगे तो हमारा थीटा वन जो है ना वो डिक्रीज करेगा, और मूव किसकी तरफ मूव करेगा, थीटा मिनिमम की तरफ, जिससे हमारा कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू एकदम मिनिमम मिल जाएगी और हमारे हमारा हाइपोथेसिस एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या होता है कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सॉरी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा कि थीटा वन इंक्रीज़ करेगा इस तरफ से, और किसकी तरफ मूव करेगा, थीटा वन की तरफ, ठीक है। और थर्ड केस में क्या होता है कि ये हर एक स्टेप धीरे 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 मूव करती है और मिनिमम स्ट्रेस तक पहुंचती है। इसमें क्या होता है कि जो इसकी स्टेप्स होती हैं ना वो कि काफ़ी लंबी होती हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि इसने एक स्टेप लिया तो ये मिनिमम से भी आगे निकल गया, फिर एक स्टेप लिया जो मिनिमम से पीछे चला गया, फिर एक स्टेप लिया तो इधर पहुँचा, फिर जाके ये फाइनल रीच पोजिशन पर पहुँचा है, ठीक है। तो उसके बाद और फोर्थ केस में क्या होता है कि एकदम स्टेप इंक्रीज़ कर जाती है, फिर धीरे से डिक्रीज़ करती है, फिर धीरे 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 डिक्रीज करके वो मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है। तो इस तरीके से हम हाइपोथेसिस फंक्शन की एक्यूरेसी को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि कॉस्ट फंक्शन जो है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज़ करता है हाइपोथेसिस फंक्शन की एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करने में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है मशीन लर्निंग की लेक्चर में, तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। और गाइस, ये मेरा यूट्यूब का पहला चैनल है, इससे पहले मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि यूट्यूब पे कैसे वीडियोस बनाए जाते हैं। और तो गाइस, अगर आपको कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को सजेस्ट करें कि मेरी क्या गलतियाँ हो रही हैं, कि मैं सुधार सकूँ और आने वाली वीडियो काफ़ी अच्छी हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।